बोलिए अपर सचिव महोदय। धन्यवाद। हमारे सभी कर्मचारी संगठन के सभी लोग हैं, सारे कर्मचारी साथीगण यहाँ उपस्थित हैं, सचिव साहब उपस्थित हैं। पिछले दो दिवस से हमारे पूरा कर्मचारी गण उद्वेलित है। आप लोगों की मांग हम लोगों के लेवल तक पहुंच गई है, उस पर हम लोगों ने बहुत गंभीरता से विचार किया है और इसमें लगभग सभी मांगे आपकी काफ़ी जेन्युइन मांगी गई है, जो ठीक है, लोगों के लिए सुविधाजनक भी है। एंट्री पास सिस्टम बिल्कुल ठीक मांग है, जिससे कि लोगों को ये पता रहे कि कौन व्यक्ति आ रहा है, कितनी बार आ रहा है। देखिए, सामान्य व्यक्ति आते रहे, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं होगी, पास बनाएंगे आते रहेंगे, आवंटी आते रहे, परिवार के लोग आते रहे। लेकिन अगर कोई गलत विचार से, गलत उद्देश्य से आना चाहेगा तो हमारे पास एक डॉक्टर रहेगा और हम उसे देख करके उस पर रिजनेबल नियम संगत कार्रवाई कर पाएंगे, रोक पाएंगे। रजिस्ट्री की जो मांग है, रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री होते रहे हैं, पहले भी बीच बीच में कार्यक्रमों में होते रहे, इस पर भी हम लोग काफ़ी गंभीरता से विचार किए हैं और जो भी संभव होगा, हमारे पास बताया गया है कि सामान भी पहले से खड़े हुए हैं, रजिस्ट्री विभाग से लगातार बात हो रही है, लगातार लगे हुए हैं। इससे न सिर्फ लोगों को आसानी होगी, प्राधिकरण के कर्मचारियों को आसानी होगी, इससे पब्लिक में भी एक अच्छा मैसेज आएगा। जो लोग प्राधिकरण से जमीन लेंगे उनको यही एक डेडिकेटेड रजिस्ट्री कार्यालय मिल जाएगा, उससे उनको काफ़ी काफ़ी विचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। सर, इस पर अंतिम वर्जन देंगे। प्राधिकरण परिवार के उपस्थित समस्त साथियों, अन्य विभागों संगठनों के उपस्थित पदाधिकारीगण, कार्मिकगण, मीडिया के हमारे साथी, अभिषेक त्रिपाठी के साथ विभाग को जो घटना घटित हुई है, जबकि घटना व्यक्तिगत रूप से अभिषेक के साथ हुई है, मैं ये मान के चलता हूँ कि पूरे प्राधिकरण परिवार के साथ घटना घटित। इससे भी आगे मैं तो ये मान के चलता हूँ कि हमारे जितने भी सरकारी विभाग हैं, सरकारी विभाग के रूप में हम सब एक परिवार हैं और यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना उन सभी लोगों के साथ घटित हुई, इसकी हम बहुत निंदा करते हैं। जैसे ही हमें घटना की सूचना मिली, हमने बीसी सर के संज्ञान में लाया, माननीय कमिश्नर सर के संज्ञान में लाया और बोध किया कि ऐसे राज अराजक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कमिश्नर सर ने आश्वस्त किया।